स्टूडेंट्स, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने जो इंग्लिश में क्या देखे थे, हु इज हैप्पी, जो लेसन है या स्टोरी है, उस स्टोरी को थोड़ा सा पढ़े थे। उस स्टोरी की शुरुआत हमने पढ़े थे कि इस स्टोरी में एक पीकू नाम का क्रो है, मतलब पीकू नाम का कौवा है, और वो कौवा खुद को खुशनसीब, खुद को हैप्पी फील करता है, क्योंकि उसके पास में ऐसे उसको हैप्पी फील कराने वाली कुछ चीजें हैं भगवान की तरफ से मिली हुई, जैसे वो चतुर है, स्ट्रॉन्ग बीक है, उसकी बॉडी टफ है, आसमान में उड़ने के लिए उसके पास में विंग्स है, और इन सब बातों की वजह से वो खुद को खुश फील करता है। और क्योंकि इंसान भी क्लेवर क्रो की स्टोरीज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं करके, वो भी जो है खुद को बहुत ज्यादा खुश महसूस करता है। पर आगे क्या होता है, अब ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले थे, तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए आपको पेज नंबर 8 जो है उसे ओपन करना है, पेज नंबर 8 आप ओपन करेंगे। The beautiful white swan. He suddenly feels that the swan looks more beautiful. अब क्या हुआ? वो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि पीकू जो है कौवा है और वो खुद को सेटिस्फाइड हैप्पी समझता है। पर एक दिन क्या होता है, पीकू सोना को देखता है। अब ये सोना कौन है? सोना एक सफेद कलर का स्वैन, मतलब हंस करके जो पंछी होता है ना, पिक्चर में भी आपको दिखेगा, तो उसे वो देखता है, तो उसका नाम क्या है, सोना, सोना, SONA, सोना। तो ये जो है, ये सोना कौन है, सोना है एक स्वैन, व्हाइट कलर का स्वैन, तो उसे देखता है और उसे अचानक क्या फील होता है, उसे अचानक महसूस होता है कि अरे मेरा कलर तो ब्लैक है, काला है, और ये सोना व्हाइट है, तो ये ज्यादा खूबसूरत है मेरे से। और फिर वो सोना से, मतलब हंस जो पंछी है, हंस जो बर्ड है स्वैन, उससे बात करता है। क्या बात करता है, बोलता है हेलो सोना, ग्रीट हो गया, ग्रीट करके हो गया। उसके बाद में यू आर द प्रेटीएस्ट बर्ड, आई विश आई वुड लुक लाइक यू, यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। वो सोना को क्या बोलता है, बोले हेलो हेलो सोना, उससे तो हम भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, वैसे उसने भी हेलो बोल दिया। अब बोले तुम तो दुनिया के लगभग सबसे ज्यादा खूबसूरत बर्ड हो, है ना, तो मुझे लगता है, बोले कि मैं भी काश तुम्हारे जैसा होता। अब तक वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता था, पर अब जब उसने हंस को देखा, अब हंस को खुद से कंपेयर करना स्टार्ट किया और क्या बोले, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, तुम तो बोले दुनिया के सबसे खुश बर्ड होंगे, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा खूबसूरत हो। तो सोना ने उसे क्या रिप्लाई दिया, देखो सोना ने उसे रिप्लाई दिया, जवाब दिया, आई वॉज द हैप्पीएस्ट Till I saw Mitu, the lovely parrot. Oh, Mitu's green coat and red beak make her look so attractive. She looks more beautiful than me. See, my white feathers make me look so plain and dull. Even my beak is pale. अब ये जो सोना है, मतलब हंस है, स्वैन, वो क्या रिप्लाई देता है, जवाब देता है क्रो पीकू नाम के कौवे को, पीकू को बोलते हैं मैं तुम जैसा बोल रहे हो, बिल्कुल मैं भी वैसा ही, बिल्कुल बहुत हैप्पी था, सबसे ज्यादा हैप्पी फील करता था मैं दुनिया में खुद को, पर कब तक, जब तक मैंने मीठू को देखा नहीं था। अब ये मीठू कौन है, ये मीठू है एक, अब ऑब्वियसली मीठू कौन है करके आपको बताने की मतलब शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है हम पैरोट को मीठू बोलते हैं, इस स्टोरी में भी पैरोट का नाम है मीठू, ठीक है। तो बोले जब तक मैंने मीठू को, मतलब पैरोट को देखा नहीं था, तब तक मैं भी दुनिया का सबसे ज्यादा हैप्पी, जो खुशनसीब या खुश बर्ड खुद को मानता था, पर बोले मैंने एक लवली पैरोट को, मतलब एक खूबसूरत से पैरोट, मतलब तोते को देखा, और बोले वाह क्या, बोले मीठू जो है, मीठू का ग्रीन कोट, मतलब उसकी बॉडी का कलर कैसा रहता है, ग्रीन, तो बोले मीठू का ग्रीन कोट, उसकी रिंग और उस पर रेड कलर की बिग, बिग मतलब चोच, तो रेड कलर की बिग उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, बहुत ज्यादा आकर्षक खूबसूरत बना देती है, क्योंकि ग्रीन कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है उसके पास, दो कलर है। She looks more beautiful than me. बोले जो मीठू है, मतलब जो पैरोट है, वो मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है, मेरे से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है,
तो सी बोले देखो बोले मेरे पास जो तुम मुझे कुछ बोल रहे हो मैं भी कुछ समझता था, पर बोले मेरे पास व्हाइट कलर के फीलर्स है, मेरे पंख कैसे सफेद कलर के हैं और वो मुझे प्लेन एंड डल तरीके का बना देते हैं। मतलब प्लेन मतलब मैं बस आम सा साधारण सा साधारण पंछी जैसे दिखता हूँ, ऑर्डिनरी टाइप का दिखता हूँ। और बोले मेरी जो चोच है वो भी कैसे पेल है, मतलब हल्की सी धुंधली सी है, जबकि उसकी चोच कैसे डार्क रेड कलर की है। Then पीकू goes to meet मिठू। अब ये जो पीकू है ये मिठू को मिलने जाता है, ठीक है, मिठू मतलब तोते को मिलने जाता है। तो देन मिठू यू आर ब्लेस्ड विद सच अ ब्राइट कलर्ड बॉडी, योर ग्रीन फीदर्स मेक यू लुक ब्यूटीफुल एंड द रेड बीक लुक्स अट्रैक्टिव, यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। अब ये खुद की कंपैरिजन किससे करने लगा, अब मिठू से मतलब तोते से। अब तोते के पास गया और बोले मिठू तुमको भगवान ने मतलब ऊपर वाले ने बिल्कुल कलरफुल बॉडी दे दिया है और तुम्हारी बॉडी कैसे वाइब्रेंट है, ब्राइट है, बिल्कुल चमकीली टाइप की है। तो बोले तुम्हारे पास ग्रीन कलर के पंख हैं जो तुम्हें और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, तुम्हारे पास रेड कलर की चोच है वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है। तो बोले तुम तो दुनिया के सबसे ज्यादा हैप्पी वाले बर्ड होंगे, सबसे ज्यादा हैप्पी होंगे। तो इसने क्या रिप्लाई दिया, इसने रिप्लाई दिया ओ पीकू थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी, बोले मेरी आपने जो तुमने मुझे जो अप्रिशिएट किए, मेरी जो तारीफ की है, प्रेज की है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पर बोले आई ऑल्सो फील द सेम अंटिल आई मेट फिश हु इज अ पीकॉक, बोले मैं भी, इसने भी बिल्कुल जवाब वैसे ही दिया, मैं भी बोले तुम जैसा बोल रहे हो वैसे खुद को बहुत ज्यादा हैप्पी समझता था, पर तब तक जब तक मैंने क्रिश को नहीं देखा था। अब ये क्रिश कौन है, क्रिश है एक पीकॉक मतलब मोर। बोले ही हैज मेनी कलर्स ऑन हिज फीदर्स, on a rainy day I saw him in the forest, you know he had spread his tail to dance, he looked majestic, I am jealous of the peacock beauty as it makes me forget my own। बोले मैंने जब क्रिश को देखा, कहां पे देखा मैंने एक बार क्रिश को, क्रिश के पास में, क्रिश के जो फीदर्स है जो पंख है वो बहुत सारे रंगी बिरंगी है, उसकी बस अलग अलग कलर के पंख है। और बोले मैंने एक बरसात के दिन, रेनी सीजन के दिन मैंने उसे जंगल में देखा उसे मोर को, और बोले तुमको पता है, बोले मोर वो क्या कर रहा था, वो अपनी पूंछ या अपने जो टेल है उसको फैला के नाच रहा था और वो इतना खूबसूरत दिखता था, इतना खूबसूरत दिखता था कि मैं बता नहीं सकता, वो एकदम इंप्रेसिव दिखता था, मैं तो उसको देखकर इंप्रेस हो गया। और बोले उसको देखने के बाद मैं जो खुद को बहुत खुश समझता था मेरे ग्रीन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की बॉडी से, है ना, तो मैं जो खुद को बहुत हैप्पी समझता था, अब बोले उसको देखने के बाद मैं उससे जिलस फील करने लगा, मुझे जलन होने लगी, जिलस ही होने लगी खुद की और उसकी खूबसूरती की। और मैं बोले उसकी खूबसूरती देखकर खुद की खूबसूरती बिल्कुल भूल गया, मैं इतना अच्छा फील करता था। तो फिर आगे ऑब्वियसली वो फिर तोते से भी मिलने गए होंगे, तो सॉरी पैरोट पीकॉक से भी मिलने गए होंगे कृष्ण से। तो कृष्ण ने भी क्या रिप्लाई दिया, क्या किया, वो हम इसके बाद की जो वीडियो रहेंगी उसमें देखेंगे, और शायद उस वीडियो में हो सकता है तो हमारी ये जो स्टोरी भी कंप्लीट हो। तो आपको ये जो वर्ड्स है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे कुछ वर्ड्स, तो शायद पिछले वीडियो में आपने ये वीडियो सॉरी वर्ड्स जो है शायद लर्न भी किए होंगे या लिखे भी होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है, अगर आप क्योंकि आपने पिछले बार की वो वर्ड्स जो है ये वही वर्ड्स है तो लिखे होंगे, तो आपको लर्न करना है इन वर्ड्स को, ठीक है, और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।